Hey guys, this is Vishnu and you are watching Delta Physics. So guys, इस lecture में मैं एक quick one shot revision लेके आया हूँ, ठीक है ना, unit and dimension पे. इसमें होगा क्या कि आप unit and dimension में जितने भी topics आप पढ़ चुके हो उसका एक बार brush up होगा, है ना. यानी कि पूरा topic एकदम clear होना चाहिए, है ना. सो यार, मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स उठाना चाहिए, है ना, क्योंकि एक्चुअली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होता है ना, क्योंकि मैंने ऐसा ग्रुप वगैरह में देखा है कि बच्चे ज़्यादातर इस पर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है. बट इट्स टू सिंपल टॉपिक, है ना, बट हम इसको सीखेंगे, है ना. अगर आपको नहीं आएगा तो आप इसके ज़रिए ज़रूर सीखेंगे, है ना गाइस. सो यार, इसमें लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, है ना. तो बेसिकली मैं करूँगा क्या, पहले तो अपन सिंपल सा उठा लेते हैं कोई यूनिट, है ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्यू इज इक्वल टू एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, है ना. सो जो मेरा एन वन होगा, है ना, एन वन एंड एन टू, ये एक्चुअली हमारा कोई फिजिकल क्वान्टिटी होगा, ठीक है. सो लाइक अगर फिजिकल क्वान्टिटी की बात करें, है ना, यहाँ पे यू वन एंड यू टू को हम फिजिकल क्वांटिटी रखेंगे एंड एन वन एन टू जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, यूनिट, ठीक है. सो एक्चुअली यहाँ पे होगा हमारा, अगर लेट सपोज इफ यू वन इज इक्वल टू, अगर हम कंसीडर करें, हालांकि हमें जो कंसीडर करना होता है मास, लेंथ एंड टेम्परेचर, सॉरी टाइम के टर्म में हमें कंसीडर करना चाहिए, है ना. सो पहली चीज़ जो होगी हमारी एम वन के पावर ए, है ना, एल वन के पावर क्या हो जाएगा हमारा बी, है ना, एंड टी वन के पावर हो जाएगा सी, है ना. एंड यू टू इज इक्वल टू क्या ले लें, अगर यू टू इज इक्वल टू ले लें एम टू के पावर ए, एल टू के पावर बी एंड टी टू के पावर सी, तो हम क्या करेंगे, इन्हें इक्वल कर देंगे, ठीक है ना. एन वन ई वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, जो एन वन एन टू होगा वो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, कोई नंबर्स हो जाएगा, ठीक है ना. अभी आप देखेंगे इसको अच्छे से. सो यार, मैंने क्या किया, यहाँ पे एन वन किया, है ना, और यहाँ पे एम वन की पावर ए, एल वन की पावर बी एंड टी वन की पावर सी इज इक्वल टू एन टू हो जाएगा हमारा, एंड एम टू की पावर ए, है ना, एल टू की पावर बी एंड टी टू की पावर सी, ये क्वांटिटी हो जाएगी, समझ रहे हो. सो ये हो जाएगा. एंड फाइनली अगर मुझे फाइंड आउट करना है एन टू, ठीक है ना, अगर मुझे एन टू के टर्म में चाहिए आंसर, तो मैं क्या करूँगा, एन टू इज इक्वल टू एन वन लिख दूंगा, ठीक है. एंड हमारा क्या हो जाएगा, पहली क्वांटिटी एम वन एम टू हो जाएगी. सो एम वन बाई एम टू, है ना, ये हमारा एम वन हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, एम टू द पावर ए, एंड ये हो जाएगा एल वन अपॉन एल टू द पावर बी, एंड ये हो जाएगा टी वन अपॉन टी टू के पावर सी, ठीक है यार. तो कहने का मतलब, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में हमें ऐसे ही चलना चाहिए. लाइक अगर यू वन यू टू की बात करें तो कोई फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी. लाइक अगर मैं वर्क डन की बात करूँ, फोर्स की बात करूँ, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पुट कर देंगे, समझ लो. और एन वन एन टू जो होगा ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, नंबर्स होंगे, जो कि लाइक हमें बताएंगे कि कौन सा यूनिट कैसे डिफाइन होगा, ठीक है ना. अगर मैं फोर्स की बात करूँ, सो यार यहाँ पे अगर मैं एक न्यूटन ले लूँगा, सो ये जो कन्वर्ट होकर के आएगा डाइन में आएगा. सो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, लाइक 10 के पावर 5, है ना. अगर मैं एक जूल की बात करूँ, सो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा, समझ लो. सो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये बेसिकली नंबर्स होते हैं एंड ये क्या होता है, यू वन एंड यू टू, ये फिजिकल क्वान्टिटीज़ होती हैं कुछ, ठीक है ना. तो अपन जो भी देखो, कहने का मतलब आपके एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चंस आए, आप यही अप्रोच हमेशा लगाना, ठीक है. सो आपको क्लियरली सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना. तो अभी हम देखेंगे कि एक एग्जांपल इस पे. ओके सो यार, मेरे पास क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डाइन इन 1 न्यूटन, ठीक है. सो मुझे करना क्या है, मुझे बताना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे एंड हमें क्या करना है, जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया उसी प्रोसीजर के साथ चलना है, है ना. सो करेंगे क्या अपन ये करेंगे, लाइक कि डाइन और न्यूटन की बात हो रही है, तो यार ये यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी यूज़ होने वाली है वो एक ही होने वाली है, क्या, फोर्स, ठीक है. एंड फोर्स का क्या हो जाएगा, डायमेंशन ये होता है MLT के पावर माइनस 2. इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो यार करेंगे क्या, पहले हमें मालूम है कि यही कॉन्सेप्ट है एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, ठीक है. सो एन वन की बात करें, है ना, तो एन वन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, ठीक है ना. एन वन इज इक्वल टू 1 ले लेंगे. अगर बात करें यू वन की, सो यू वन क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यू वन बेसिकली क्या होता है ना, MKS सिस्टम में होता है, ठीक है. किस में होता है, MKS सिस्टम में, ठीक है. यू वन टेक इन MKS सिस्टम, इतना याद रखो, ठीक है. सो ये किलोग्राम हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है. और ये सेकेंड के पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है. और एन टू हमें फाइंड आउट करना है,
लेट सपोज कि एन वन जो है मेरा न्यूटन में है, ठीक है, और यू वन ये हो जाएगा, और एन टू की बात करेंगे सो ये हो जाएगा हमारा ग्राम, ठीक है, ग्राम में हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर इंटू सेकेंड की पावर माइनस टू, ठीक है। सो ये चीज़ें हो गई, तो अभी क्या करेंगे, अभी इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है ना, जो ये है। सो एन वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा, एंड यू वन की जगह क्या हो जाएगा, ये क्वान्टिटीज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यार कहने का मतलब ये है कि क्या करेंगे अपन, अपन ये करेंगे कि यहाँ पे ओके। सो यार एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्या लेना था, यहाँ पे यू टू लेना है ना। और एक बात और है कि यार एम के एस में हम इसको जो फोर्स होता है उसको हम न्यूटन कहते हैं, सिंपल, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं भाई साहब, इसको हम कहते हैं डाइन, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है फोर्स के लिए, जो हमारा एम के एस में तो क्या होता है, न्यूटन होता है, और ये जो होता है सी जे सिस्टम के लिए, इसके लिए होता है सी जे सिस्टम के लिए, एक एम के एस सिस्टम होता है, यानी कि सी जे सिस्टम होता है। सो ये क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड के पावर माइनस टू, और इसी जे सिस्टम है, इसको डाइन कहते हैं, ठीक है। तो यार लेट सपोज कि मुझे क्या निकालना है, एन टू निकालना है, ठीक है। सो एन टू इज इक्वल टू, एन टू इज इक्वल टू एन वन यू वन अपॉन यू टू, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यार एन वन की बात हो रही है, तो एन वन की जगह क्या रख देंगे, एक रख देंगे, ठीक है। अच्छा यू वन की जगह क्या रख देंगे, न्यूटन, तो यार एक न्यूटन तो पहले लिख देंगे, बट उसके पहले क्या करते हैं, पहले इस टर्म को सेटिस्फाई करा लेते हैं यार, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किलोग्राम मीटर, ठीक है, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड के पावर माइनस टू, ठीक है, ये हो गया। और यू टू की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड के पावर माइनस टू, ठीक है, ठीक है। सो यार एक के जी इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 10³ ग्राम्स हो जाता है, और एक मीटर बराबर 10² सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है, सेकेंड के पावर माइनस टू को तो आप एज इट इज़ उतार दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यार ये हो जाएगा इंटू सेकेंड के पावर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। सो यार कहने का मतलब ये है कि मेरा जो एन टू है ना, तो कहने का मतलब ये है यार कि मुझे क्या करना है, एन टू फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो बेसिकली करेंगे क्या अपन, कि इसकी जगह क्या हो जाएगा, न्यूटन रख देंगे, ठीक है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, न्यूटन रख देंगे, ठीक है ना, ये पूरे क्वांटिटी की जगह हम क्या रख देंगे, न्यूटन रख देंगे। तो जो मेरा एन टू हो जाएगा, एन टू बराबर 10⁵, ठीक है, 10⁵ हो जाएगा, ठीक है। तो एन टू की जगह 10⁵ हो जाएगा, ओके। सो एन टू की जगह अपन क्या कर देंगे, 10⁵ आ गया, फिर क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आएंगे कहाँ पे, एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। तो यार यहाँ पे एन टू पता चल गया है ना, और एन वन क्या है, एन वन जो है हमारा एक न्यूटन है, ठीक है, क्या है, एक न्यूटन है। तो यार कहने का मतलब ये है कि पहले तो इसको पुट कर लेते हैं, क्या, एन वन इंटू न्यूटन, ठीक है, और एन टू की जगह क्या हो जाएगा, एन टू तो हमें मालूम करना था, ठीक है, और जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, यू टू जो है हमारा, यू टू की जगह क्या रख देंगे, डाइन रख देंगे। सो फाइनली एन टू की जगह 10⁵ हो जाएगा, और एन वन की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे अपन, एन वन की जगह एक रख देंगे, एक न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एन टू की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो कर चुके हैं हम लोग, है ना, और एन वन की जगह हमने 1 ले रखा था। सो यार फाइनली 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन आ गया। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे अपन, थोड़ा जल्दी से 1 जूल के लिए देख लेंगे, है ना, क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है, तो उसको जल्दी से देख लेते हैं, ओके। सो यार क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी जूल इन 1 अर्ग, ठीक है। सो देखो इसके लिए क्या करेंगे, मुझे मालूम है कि जो मेरा जूल है वो किसकी यूनिट है, वर्क डन की, ठीक है। सो मैं सबसे पहले लिखने वाला हूँ कि वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू, है ना, क्या लिखेंगे, ML² इंटू T⁻², ठीक है, ये क्वांटिटी मैंने लिख लिया। सो यार जो भी काम करेंगे अपन, अब इसके लिए करेंगे, ठीक है। सो यार पहले अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, क्या, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, है ना, अब कुछ भी और भी लिख सकते हो, बट जो प्रोसेस है वो ऐसे ही चलने वाला है, बात समझ आ रही है। सो यार ये हो गया। तो बेसिकली अगर बात करेंगे फिर से अपन, किसकी बात करेंगे, N1 की। सो यार N1 मुझे 1 ही लेना चाहिए, है ना, और N2 हमें फाइंड आउट करना है, वो हम कर लेंगे ना, उतना करने मुझे आता है, एंड U1 और U2 की बात कर लेते हैं। सो यार U1 की बात करें, है ना, सो U1 जो हो जाता है हमारा जूल में हो जाएगा, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर के पावर 2 इंटू सेकेंड के पावर माइनस 2, ठीक है। अगर यू टू की बात करें, सो ये बेसिकली अर्ग हो जाएगा,
है ना, और ये बेसिकली ग्राम हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेकेंड के पावर माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप इतनी बातें तो आपको क्लियर होंगी, है ना, क्रिस्टल क्लियर है। ओके, सो फाइनली अभी क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में अपनी वैल्यू रखेंगे। सो एन टू इज इक्वल टू हमारा एन वन यू वन अपॉन एन टू आ जाएगा, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए, है ना। सो एन वन की जगह क्या हो जाएगा, एन वन की जगह अपन वन रख देंगे, है ना, ताकि बाद में भी वन रखेंगे। ठीक है, और यू वन की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर की पावर माइनस टू। ठीक है, और ये फाइनली ग्राम हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर माइनस टू। ठीक है, सो यार वन के जी इज इक्वल टू टेन के पावर थ्री ग्राम्स, है ना, टेन के पावर थ्री ग्राम्स इंटू टेन के पावर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, देख लो। क्योंकि यार यहाँ पे देखो एक मीटर है ना, सो यार मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर होता है, सो 10 के पावर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना रहेगा, सेकेंड के पावर माइनस टू। अच्छा, फाइनली यहाँ पे हो जाएगा हमारा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड के पावर माइनस टू, है ना। सो यार इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे सो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, और ये 10 के पावर 7 आ जाएगा। सो यार एन टू की जो वैल्यू आएगी 10 के पावर 7 आ गई। ठीक है, अब उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना, हमारे लिए क्या है, चीज़ें बड़ी सिंपल हो गई। ठीक, एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू इंटू यू टू, बस समझ आ रही है। तो देखो, तो एन टू पता चल गया, सो एन एन टू एन वन की जगह वन हो जाएगा, यू वन की जगह क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, और एन टू की जगह कितना हो जाएगा, टेन के पावर सेवन, और यू टू की जगह क्या हो जाएगा, बेटा अर्ग हो जाएगा, बस समझ आ रही है। सो यार एक जूल इज इक्वल टू टेन के पावर, यहाँ पे जूल है, इसको जैसे दिखाते हैं, टेन के पावर सेवन अर्ग। ठीक है कि नहीं। सो फाइनली आपका जो आंसर आया, वन जूल इज इक्वल टू टेन के पावर सेवन अर्ग। सो देखो, मेरे समझाने का मतलब ये था कि कॉन्सेप्ट यही है, प्रोसेस यही है, बस चलना है आपको। सो कोई भी क्वेश्चन हो आप ऐसे ही टैकल करेंगे, सो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे, है ना। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, है ना। अभी हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। सो यार जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, सो इसमें देखो क्या रहा है, क्या द प्रिंसिपल स्टेट दैट द डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज इन ऑल टर्म्स ऑफ द टू साइड्स, है ना, टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम, है ना। सो यार हेंस वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर एंड इक्वेट ओनली सच क्वांटिटीज विच आर ऑफ द सेम नेचर और हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, दस ऑल द क्वांटिटीज दैट आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड नीड टू हैव द सेम डायमेंशंस। ठीक है, सो यार देखो कहने का मतलब यह है कि जो प्रिंसिपल स्टेट आई मीन जो प्रिंसिपल कह रहा है कि डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज इन ऑल टर्म्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। सो कहने का मतलब यह है कि अगर अगर दो साइड इक्वेशन लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो दोनों मस्ट बी सेम होने चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, ये एकदम अच्छे से याद कर लो। ठीक है, कि अगर इक्वेशन लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड भी लिखा हुआ है, राइट साइड भी लिखा हुआ है, तो वो जो इक्वेशन है, वो जो फॉर्मूला है, अगर वो सही है, सो उनके इक्वेशन जो इक्वेशंस हैं दोनों तरफ के, तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड के। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई क्वेश्चन है जो कि एडिशन फॉर्म में है, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है, सो जो दो क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया है, तो उनके जो पर्टिकुलर डायमेंशंस होंगे वो भी सेम होने चाहिए, है ना। इसके होमोजेनिटी का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का मतलब यही हुआ, है ना। देखो लिखा हुआ है कि वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर एंड इक्वेट ओनली सच क्वांटिटीज विच आर हैव द सेम नेचर एंड आर हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है कि उनके जो डायमेंशंस होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, है ना। अगर आप किसी भी क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो एक उसी शर्त पे आप उसे ऐड एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, उसी शर्त पे कि जब उनकी दोनों के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात। एंड ये भी बात कहता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशंस भी इक्वल होने चाहिए, अगर लेफ्ट साइड में भी कुछ इक्वेशन लिखा है, राइट साइड में इक्वेशन लिखा है, सो लेफ्ट एंड राइट साइड के भी इक्वेशन क्या होने चाहिए, मस्ट बी सेम, है ना, सेम होने चाहिए, है ना गाइस। तो यार आई होप आपको ये इतनी इतनी कहानी जो मैंने लिखा है वो समझ आया होगा। ठीक है, सो अब हम एक दो क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, सो यार ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ये वंडर वाला इक्वेशन लिखा हुआ है ना, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। जहाँ पे जो पी क्या है, प्रेशर है, वी आपका वॉल्यूम होता है, और एन क्या है, मोलों की संख्या होती है ना, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, एंड बी क्या है, वॉल्यूम है, एंड ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है ना, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, आपका टेम्परेचर है,
है ना, और यहाँ पे तो एन को बताया मोलों की संख्या है ना, नंबर ऑफ मोल्स है। सो यार आपको यहाँ पे बताना है डायमेंशन ऑफ ए बता दो एंड डायमेंशन ऑफ बी बता दो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको जस्ट बताया क्या कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, तो यार उसमें साफ साफ लिखा था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा रीड किया होगा तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी इक्वेशन हो है ना, कि कोई भी इक्वेशन हो या फिर कोई भी आपका फार्मूला लिखा हुआ है तो वो तभी राइट होगा, तभी सही होगा जब अगर उनका एडिशन फॉर्म हो या फिर सब्ट्रैक्शन फॉर्म हो, तो उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो क्वांटिटीज़ ऐड की हुई वो उनका डायमेंशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, है ना। लाइक अगर पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी एन स्क्वायर लिखा है, सो पी इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर होना चाहिए। बी माइनस बी लिखा हुआ है यार, तो बी का जो डायमेंशन होना चाहिए वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सही होगा, राइट। सो कहने का मतलब क्या है, ये जो है ये टर्मिनोलॉजी जो है हम सॉल्व करेंगे किसके किसकी मदद से, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से, है ना। सो मेरे होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रेशर का डायमेंशन इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि देखो एडिशन फॉर्म में है, तो ये एडिशन फॉर्म में तभी पॉसिबल है जब इनके डायमेंशन इक्वल हो आपस में। सो पी इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू बी हो जाना चाहिए। सो बी इक्वल्स टू बी, अच्छा एन क्या है, मोलों की संख्या होती है, सो यार ये डायमेंशन लेस होता है, पहली चीज़ लिख लो, ठीक है, क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। अच्छा अच्छा एक चीज़ और है कि यार यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे एन लगा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन को सेटिस्फाइड होना चाहिए अच्छे से। ओके सो यार जो एन है वो डायमेंशन लेस है, क्यों, क्योंकि मोलों की संख्या होती है ना, डब्ल्यू बाई एम होता है, सो इसका भी कैपिटल एम है और इसका भी कैपिटल एम, सो एम के पावर ज़ीरो हो जाएगा, है ना, डायमेंशन लेस हो जाएगा। हाँ हम बात करेंगे किसकी, वॉल्यूम की एंड प्रेशर की। सो यार प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाता है, प्रेशर जो होता है हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। सो ये एम एल टी के पावर माइनस टू होता है और इसका एरिया का एल स्क्वायर हो जाता है। सो यार फाइनली प्रेशर का क्या आया, एम एल के पावर माइनस वन इंटू टी के पावर माइनस टू, ठीक है, ये मेरा प्रेशर का डायमेंशन। अच्छा वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन जो होता है वो एल क्यूब होता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये चीज़ें हो गई ख़त्म, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे इस इक्वेशन में रखेंगे। सो यार ए इक्वल्स टू फाइनली मेरा पी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और प्रेशर का क्या हो जाएगा, एम एल के पावर माइनस वन इंटू टी के पावर माइनस टू इंटू एल के पावर सिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ ए फाइनली आएगा एम एल के पावर फाइव इंटू टी के पावर माइनस टू, है ना। सो यार ये मेरा डायमेंशन हो गया एक, है ना, और बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वो तो सिंपल है, एन का तो डायमेंशन लेस होता है तो वॉल्यूम भी है, ठीक है। सो फाइनली बी का कितना हो जाता है, एल क्यूब। सो यार हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, है ना, सिंपल सा है, ठीक है, कि ये एडिशन तभी पॉसिबल है जब इनके आपस में डायमेंशंस इक्वल हो, है ना, ये भी पॉसिबल तभी है जब इनके आपस में डायमेंशंस इक्वल हो। सो यार प्रेशर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर दिया, एंड डायमेंशन लेस है, और प्रेशर और वॉल्यूम का हमने डायमेंशन लिखा, और फाइनली हमने गेट कर लिया क्या, ए का डायमेंशन एंड बी का डायमेंशन। तो यार आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो यार एक क्वेश्चन और देखते हैं इस कंडीशन पे। सो यार ये क्वेश्चन है ना, इसको भी मुझे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ए के पावर एन है, साइन इनवर्स एक्स माइनस ए अपॉन एक्स है, ठीक है। तो मुझे इसे सॉल्व करना है और बताना है कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो यार देखो फिर से वही बातें आ गई कि प्रिंसिपल ऑफ जो कि मेरा होमोजेनिटी है वो यही कहता है कि एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या फिर डिवाइड हो, कुछ भी हो, उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम, है ना। सो पहली चीज़ तो एक काम कर लेते हैं कि इसका डायमेंशन लिख लेते हैं, है ना, अंडर रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, अंडर रूट के अंदर टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का। अच्छा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, एक्स क्या है आपका डिस्टेंस है, ए क्या है ये भी डिस्टेंस है, और डी एक्स क्या है चेंज इन लेंथ है ना, यानी कि आप लिख सकते हो कि ए एंड एक्स क्या है लेंथ है, ठीक है, एंड डी एक्स क्या है चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ है ना। तो हाँ ए एंड एक्स लेंथ है, डी एक्स क्या है चेंज इन लेंथ है, एंड ए के पावर एन है, तो हमें एन की वैल्यू बतानी है। सो अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर टू एक्स बोले तो अगर ए का भी डायमेंशन देखे तो एल हो जाएगा, क्योंकि ए भी लेंथ है एक्स भी लेंथ है, सो यार इसका टू एल स्क्वायर हो जाएगा,
समझ रहे हो, और इसका भी एल स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनली अंडर रूट एल स्क्वायर होगा, सो फाइनली एल बचा, ठीक है। सो इसका जो डायमेंशन होगा हमारा एल बच हो जाएगा, है ना, अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन एल हो जाएगा, सिंपल सा। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, डी एक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डी एक्स का भी डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स का भी डायमेंशन एल हो जाएगा। अच्छा, ए क्या है, ए भी लेंथ है, तो भाई साहब ए का भी डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, लिख लो जितना हो सकता है सब लिख लो, ठीक है। एंड साइन इनवर्स एक्स वाई है। सो यार गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि लाइक अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, है ना, देखो मैं नोट के तौर पे बता देता हूँ कि अगर साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टैन थीटा हो, ठीक है, या फिर एक्सपोनेंशियली कुछ लिखा हो, ठीक है, एक्सपोनेंशियली कुछ लिखा हो, है ना, या फिर साइन इनवर्स लिखा हो, या फिर कॉस इनवर्स लिखा हो, या फिर टेन इनवर्स कुछ भी लिखा हो, तो यार इसके अंदर की जो क्वांटिटी होती है ना वो डायमेंशन लेस होती है, सिंपल सी बात, है ना, क्योंकि यार ये जो क्वांटिटी है वो एंगल है ना, यानी कि साइन कॉस टैन, साइन इनवर्स टैन इनवर्स, एक्सपोनेंशियली इनके साथ बेटा जो टर्म लगा होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। क्यों? बिकॉज देट आर एंगल्स, राइट, समझ लो वो क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, है ना, और एंगल का तो आपको मालूम ही है, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, तो एल के पावर जीरो हो जाता है, क्योंकि आर्क का भी एल हो जाता है, रेडियस का भी एल हो जाता है। सो फाइनली आपको जो डायमेंशन आएगा एंगल का वो क्या होता है, एल के पावर जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो। सो यार ये क्या क्वांटिटी हो जाएगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी एंगल का, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे अपन, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई अंडर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए के पावर एन साइन इनवर्स एक्स माइनस ए अपॉन एक्स, जो है ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, और ये ए के पावर एन का क्या लिख देंगे अपन, एल के पावर एन, ठीक है, ये एल के पावर एन हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स का कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, समझ रहे हो, और अंडर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का हमने निकाल रखा है एल, ठीक है। सो यार ये जो हो जाएगा मेरा फाइनली, एल एल कैंसिल हो जाएगा, सो ये बचेगा क्या, एल के पावर जीरो, ठीक है, और ये एल के पावर एन है। सो जब इसको कंपेयर करेंगे सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू जीरो, है ना। सो यार मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, जो कि करेक्ट है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, हमने किसका यूज़ किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, है ना। यार ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा डाउट में फंस जाते हैं, है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे डिस्कस करना चाहिए। सो आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कंडीशंस और टर्मिनोलॉजी समझ में आए होंगे, और मैंने बेसिकली दो क्वेश्चन डिस्कस किया तो ये भी समझ आए होंगे, है ना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट चीज़ है। ओके, सो यार जो नया कॉन्सेप्ट क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू फार्मूला, है ना। सो यार न्यू फार्मूला जो मेरा क्रिएशन का टॉपिक है, तो यार ये जो है आप लोगों ने एक्चुअली इसको पढ़ रखा होगा। मैं क्या करूँगा, मैं एक्चुअली करने ये वाला हूँ कि मैं आपको क्वेश्चंस के ज़रिए से बताने की कोशिश करूँगा, है ना, इसके कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो यार देखो, सिंपल सा लॉजिक ये है इसका कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको क्या करना है कि देखना है कि इसमें मेन क्वांटिटी क्या है, एंड उस क्वांटिटी पे कितने एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ हैं जो कि डिपेंड कर रही है, ठीक है। इतनी बातें अगर तुम देख लोगे तो यार क्वेश्चंस आप टैकल कर ले जाओगे। तो यार मैं देख रहा हूँ कि द सेंट्रीपेटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल में डिपेंड्स अपॉन मास एम। देखो अब यहाँ पे ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे, एंड रेडियस आर पे, है ना। तो यार मुझे क्या करना है, इसके फॉर्मूले को जनरेट करना है। तो यार मैं लिखने वाला हूँ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के पावर कितना, एक्स लिख लेते हैं, है ना, वेलोसिटी के पावर वाई लिख लेते हैं, एंड रेडियस के पावर जेड लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसके डायमेंशंस को सॉल्व करेंगे। सो यार फोर्स बराबर कितना होता है, एम एल टी के पावर माइनस टू, है ना। अच्छा यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे तो कांस्टेंट के लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा मास का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, कैपिटल एम के पावर एक्स, वेलोसिटी क्या होता है, एल टी के पावर माइनस वन के पावर वाई, और रेडियस के पावर जेड है, तो एल के पावर कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, है ना। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। सो यार फाइनली ये जो हो जाएगा हमारा m के पावर x, l के पावर कितना हो जाएगा, ये देखो y प्लस जेड हो जाएगा, क्या इधर l के पावर y, इधर l के पावर z है, इधर t के पावर माइनस वाई है, ठीक है। सो m l t के पावर माइनस टू, है ना। अच्छा अब दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, देखो मास का मास जो है बेस, इधर भी बेस सेम है, सो इसका पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सो x इज इक्वल टू वन हो जाता है, और y प्लस जेड इज इक्वल टू वन हो जाता है, एंड माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू हो जाता है। सो y इक्वल्स टू टू आ गया, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू कितना आ गया, वन माइनस टू,
जेड इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, वाई कोस टू टू आ गया और एक्स इज इक्वल टू वन आ गया, समझ रहे हो? तो यार हो क्या जाएगा, अब इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो यार एफ इज इक्वल टू कितना हो जाता है, एफ इज इक्वल टू के है ना, के एम मास की पावर कितना वन है ना, मास की पावर वन, एंड ये मास है समझ रहे हो, ये क्या है मास है, एंड वेलोसिटी के पावर कितना हो जाता है टू, एंड आर के पावर कितना हो जाता है माइनस वन, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? सो यार कहने का मतलब क्या है, ये मेरा फॉर्मूला जनरेट हो गया, फोर्स इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लिखना चाहो लिखो, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं, आप के इक्वल्स टू वन कर देना एंड फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो कहने का मतलब ये है कि यार जो आपका डायमेंशन है वो आपको फार्मूला जनरेट करने में मदद करता है। सो यार ये कॉन्सेप्ट है किसका, आपके क्रिएशन ऑफ न्यू फार्मूले का, है ना। यानी कि जो सेंट्रिपेटल फोर्स है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था, तो मैंने उसमें एक रिलेशन निकाल दिया, एक रिजल्ट निकाल दिया जो कि एक फार्मूला जनरेट हो गया। तो यार यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बस इतना ऐसे क्वेश्चन में बस इस चीज़ को पकड़ो कि जो मेरा सेंट्रिपेटल फोर्स है, उसमें कुछ और क्वांटिटी, आपके क्वेश्चन में कुछ और क्वांटिटी दी होगी, वो किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो आप उसको उस चीज़ पर डिपेंड करवाओ एंड उसके डायमेंशंस लिखो, उनके बेस को देखो कि इक्वल है कि नहीं, मास के बराबर करो, लेंथ को लेंथ के, टाइम के टाइम को, सो उसके पावर को इक्वेट कर दो एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर, है ना। सो यार आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छे लगे होंगे, है ना। अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके सो यार नेक्स्ट इज़ क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है, द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन द मेजर्ड वैल्यू अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर श्योर प्लस वन मोर डिजिट, है ना, जिसको ब्रैकेट में लिखा है डाउटफुल डिजिट, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। सो कहने का मतलब यह है यार कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं हमारे, वो एक्चुअली होता क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट इन द मेजर्ड वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू हमने मेजर्ड किया है उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं जो कि एक्चुअल है, समझ लो, यानी कि जिनकी वजह से क्या है, जिनकी वजह से वो नंबर क्या होता है, उस नंबर की कुछ वैल्यू होती है ना, समझ लो, यानी कि उस नंबर का वजूद होता है अगर सिंपल भाषा में कहें तो, ठीक है। तो यार उसके लिए क्या होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जो हमें थोड़े से समझने पड़ेंगे, है ना। सो यार कुछ रूल्स हैं जो कि मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो यार ये कुछ रूल्स हैं, है ना, लाइक आपने सिग्निफिकेंट फिगर देख लिया क्या होता है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कि किसी नंबर, किसी डिजिट को अगर बहुत सारे डिजिट लिखे हुए हैं तो उसमें आप बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो पहला रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने भी नॉन डिजिट सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, कहने का मतलब ये क्या है, ये बेसिकली क्या है पूरे, ये नॉन जीरो डिजिट है, समझ लो, यानी कि ये ज़ीरो नहीं है। सो यार अगर ये नॉन जीरो डिजिट है सो ये डेफिनेटली सिग्निफिकेंट होंगे। सो पहला आपको समझ आ गया। दूसरा कह रहा है कि ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, कहने का मतलब कि अगर कुछ जीरो दे रखा हो, है ना, फॉर एग्जांपल 700, ठीक है, 75, ठीक है, 70075, तो यार ये एक ऐसा एग्जांपल है ना, कि देख रहे हो कि ये जो 00 है ना, वो किसके बीच में रहा है, नॉन जीरो के बीच में रहा है, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। सो यार इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3, 2, 5, यानी कि 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसके हो जाएंगे, है ना। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट क्या है, कि ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर विथ और विदाउट डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। सो कहने का मतलब ये कि जितने भी जीरोज हैं अगर नॉन जीरो के लेफ्ट में लिखे हों तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, विद आर विदाउट डेसिमल, अगर डेसिमल लगा हो तो भी, अगर डेसिमल नहीं लगा हो तो भी, ये क्या हो जाएगा, आपका नॉट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो यार सिंपल सी बात ये है कि मुझे इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। सो यार अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, लाइक 0.023, सो देखा जाए कि यार ये इसके नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जीरो डिजिट लिखी हुई है, सो ये जो है आपके लेफ्ट में लिखा हुआ है, सो ये भी क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, और डेसिमल के अगर बाद भी लिखा हुआ तो भी क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और इसका कितना था, इसका तो हमारा 5 था, ठीक है, इसके 5 थे और इसके 2 थे, है ना, इसके 2 हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। अच्छा
अगर वही इसका ठीक उल्टा हो जाए कि ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर विद आर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर अगर नॉट अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अगर क्या लगा हो, हमारा ज़ीरो लगा हो, तो भी वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 23000। सर इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने फिगर हैं, दो ही हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट में क्या लगा है, ज़ीरो लगा है, तो ये हमारा नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा ये जीरोस। सो बेसिकली इसके दो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, है ना गाइस। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं अपना नेक्स्ट। ओके सर नेक्स्ट चीज क्या है, लिखा हुआ है द जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स ट्रेलिंग जीरो, बेसिकली उसको कहते हैं, इन अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। सो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है ना, अगर डेसिमल लगा हुआ है, अगर उसके बाद अगर जीरोज हैं, सो यार उसको भी हम कंसीडर करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर डेसिमल के बाद अगर जीरोज लगे हों तो उसको कहते हैं ट्रेलिंग ज़ीरो, है ना। अगर है समझ लो, अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले का जो जीरो होता है उसको लीडिंग ज़ीरो कहते हैं, लीडिंग ज़ीरो कहते हैं, राइट। एंड नॉन ज़ीरो के बाद का अगर डेसिमल लगा हो, है ना, नॉन ज़ीरो के बाद अगर डेसिमल लगा हो उसके बाद जीरोज हो, ठीक है, या फिर नॉन ज़ीरो के पहले डेसिमल लगा हो और एंड आफ्टर दैट जीरोज़ हो, सो वो भी क्या होता है, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है, उसको ट्रेलिंग ज़ीरो कहते हैं। सो यार यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, चार, ठीक है गाइस। तो चलो अभी जितना भी हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। सर अगर मैं पहले बात करूँ कि लाइक 23529, तो यार इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, सो यार इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पाँच हो जाएंगे, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। अच्छा कोई आपसे ये पूछे कि 40290, तो यार इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, तो यार इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, इसमें इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल नहीं लगा है, तो इस जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे। तो और ये जो जीरो है ये नॉन जीरो के बीच में है, तो ये कंसीडर होगा। सो यार यहाँ पे चार सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, है ना। अच्छा अगर ऐसा हो 0.0059, तो यार नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो यार इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, सिर्फ दो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा लीडिंग ज़ीरो है, एंड लीडिंग ज़ीरो इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे ऐसा हो, तो यार इस ऐसे ज़ीरो कहते हैं लीडिंग ज़ीरो, है ना, सॉरी ट्रेलिंग ज़ीरो, समझ लो, मतलब कि डेसिमल के पहले या फिर नॉन ज़ीरो के पहले या नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल लगा हो, है ना, एंड उसके बाद ज़ीरो लगा हो, तो उसको ट्रेलिंग ज़ीरो कहते हैं, ठीक है, ट्रेलिंग ज़ीरो। सर इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, है ना गाइज। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, एंड सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ लो। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सो यार अब देखते हैं अपना एरर का प्रॉब्लम। सो यार नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एरर का, हम अब देखेंगे, ठीक है ना। सो यार एरर में बेसिकली क्या करते हैं, पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, लेट सपोज़ कि अगर किसी क्वांटिटीज़ में एरर है ना, तो हमें पहले देखना चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सो यार जो मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मॉड में डेल्टा A1 प्लस मॉड में डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट अपॉन n टाइम्स, है ना, यानी कि जितनी भी बार दे रखा हो, ठीक है। एंड अरिथमेटिक मीन ले लेंगे, समझ रहो। सो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, AM इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN बाई n, ठीक है। अच्छा ये जो मेरा डेल A1 होता है वो क्या होता है, AM माइनस A1, है ना, यानी कि AM ये जो निकला हुआ है और माइनस A1 इस क्वांटिटी का, है ना। तो मेरा डेल A1 हो जाएगा, डेल A2 क्या हो जाएगा, AM माइनस A2 हो जाएगा, डेल A3 क्या हो जाएगा, AM माइनस A3 हो जाएगा, ठीक है। सो ये फाइनली ऐसे सॉल्व होते होते मेरा जो एरर आता है A में, वो AM प्लस माइनस डेल A हो जाता है, है ना, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर ले लेते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं AM के साथ, है ना, अरिथमेटिक मीन के साथ, है ना। सो यार ये होता है एरर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अभी देखते हैं अपना रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। सो यार नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, है ना। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, सो बेसिकली मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, है ना, यानी कि जैसे मैंने अभी पिछले स्टेप में सॉल्व किया था, है ना, जो मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर आया था, है ना, डेल A बार इज इक्वल टू मॉड में डेल्टा A1 प्लस मॉड में डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट अपॉन n, है ना, एंड मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट क्या आया था, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 बाई n, है ना। तो वो जो आया था तो उनका रेशियो ले लेंगे हम, तो फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आ गया,
एंड अगर परसेंटेज इरर चाहिए होगा तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज इरर चाहिए होगा सो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा परसेंटेज इरर आ जाएगा। सो यार ये कॉन्सेप्ट था इरर के, है ना। अब हम देखेंगे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ इरर्स, जिसमें कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, जब डिवाइड होता है तो कैसे हम फॉर्म करते हैं। ओके सो यार अगर मैं एडिशन की बात करूँ, ठीक है, सो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है, तो इसमें जो ईरर हो जाएगा डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, यानी कि मैक्सिमम ईरर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअली इनके ईरर्स को ऐड करके हम क्या पालेंगे, मैक्सिमम ईरर पालेंगे, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं डिफरेंस की, ठीक है। अगर इन द केस ऑफ डिफरेंस, ठीक है, सो डिफरेंस के केस में क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी है, ठीक है। सो यार इसका जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगा, है ना, मैक्सिमम, देखो बात आ गई मैक्सिमम की ना, सो हम इसे एडिशन ही करना पड़ेगा। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाता है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए, ठीक है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी दिया है, सो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो हमें इसका एडिशन करना पड़ेगा, यानी कि डेल ए प्लस डेल बी या फिर मॉड ए प्लस मॉड डेल ए प्लस मॉड डेल बी, है ना। बेसिकली हम इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, है ना, ये सब टेबल है, ठीक है। तो यार इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए, समझ लो। अच्छा इन प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट का भी बता दो। सो यार प्रोडक्ट इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए बी है, समझ लो। सो डेल्टा जेड, ठीक है, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा यार, है ना। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हो सो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, समझ लो। सो यार इसका हम ऐसे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। सो यार अगर हम पावर फॉर्म में देखें, ठीक है, अगर आपके पावर के फॉर्म में दिया हो, है ना, इन पावर, तो क्या करेंगे, सो करेंगे z इज इक्वल टू ए के पावर n, समझ लो। सो हमारा हो जाएगा डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a, समझ रहे हो, ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्वांटिटी हो जाएगी डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a बाई a, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म में ये हो जाएगा, डिफरेंस फॉर्म में ये हो जाएगा, एंड एडिशन फॉर्म में ये हो जाएगा, ठीक है। सो यार आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम कुछ देखते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। ओके सो यार नेक्स्ट लिखा हुआ है जेड इज इक्वल टू ए के पावर एक्स बी के पावर वाई अपन सी के पावर क्यू, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका फ्रैक्शनल ईरर बताना है। सो यार हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स डेल ए अपॉन ए, है ना, यानी कि ए में फ्रैक्शनल ईरर प्लस माइनस वाई इंटू बी में फ्रैक्शनल ईरर प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा सी बाई सी, यानी कि सी में फ्रैक्शनल ईरर। तो अच्छा हमें मैक्सिमम फ्रैक्शनल ईरर चाहिए होगा, सो हम इसको एडिशन कर देंगे तीनों को, ठीक है। क्योंकि यार देखो मैक्सिमम का कहने का मतलब ये होता है कि हमें समराइज चाहिए, समझ लो, यानी कि मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडिशन। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, है ना। अगर आप प्रोडक्ट का फॉर्म भी लेते हो तो भी आपका एडिशन ही होता है। सो कहने का मतलब ये है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडिशन फॉर्म में लेना पड़ेगा। सो मैक्सिमम फ्रैक्शनल ईरर में क्या हो जाएगा, सारा ऐड हो जाता है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, है ना। सो अभी देखते हैं हम एक और स्टेप, है ना, परसेंटेज ईरर का फॉर्म में, ठीक है। सो यार अगर देखें, लेट सपोज कि वही फॉर्म है, जेड बराबर ए का पावर एक्स बी का पावर वाई अपॉन सी का पावर क्यू, ठीक है। सो यार जो मेरा मैक्सिमम परसेंटेज ईरर हो जाएगा, मैक्सिमम परसेंटेज ईरर, है ना, अब हमें क्या चाहिए, मैक्स परसेंटेज ईरर, है ना, यानी कि डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 हो जाएगा प्लस एक्स टाइम डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है, प्लस वाई टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। सो कहने का मतलब क्या है, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम परसेंटेज ईरर चाहिए भाइयों, सो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जो मेरा फ्रैक्शनल ईरर होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आ जाता है, परसेंटेज ईरर, एंड पूरे को एडिशन कर दोगे सो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम परसेंटेज ईरर, है ना गाइज। तो यार आई होप आपको ये जो ईरर का कॉन्सेप्ट है समझ आया होगा, सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, है ना। तो यार बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किए, अब हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि आपके यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड हैं। ओके
सो यार कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इफ़ लेंथ एम एंड टाइम आर डबल्ड देन व्हाट हैपेंस टू द यूनिट ऑफ पावर. ठीक है, तो लाइक आपको ऐसे क्वेश्चन लाइक किसी और के लिए पूछे जा सकते हैं, लाइक इनर्जी हुआ या फिर वोल्टेज हुआ, कैपेसिटेंस हुआ, है ना. तो ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना, जिसके लिए पूछा जा सकता है. बट मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, है ना, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन के लिए आप सॉल्व कर सकते हो. तो यार देखो, पहले तो क्या करो कि पहले इनिशियल इनिशियल फेज लिख लो, है ना, लाइक P1. ठीक है, P1 बोले तो P हो जाएगा, है ना, क्योंकि P है स्टार्टिंग का. तो मुझे क्या चाहिए, पहले तो P का डायमेंशन चाहिए. सो यार, तो ये P बोले तो पावर होता है, तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, इतना तो पता होना चाहिए. सो वर्क डन का क्या होता है, ML² T^-2, एंड T का क्या होता है, T हो जाता है, समझ लो. यानी कि P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ML² × T^-3. ठीक है, ये हो जाता है, समझ लो, ये चीज़ें हो जाती हैं. सो यार ML² × T^-3 हो गया, है ना. सो अभी क्या करेंगे कि अब अपन P डैश निकाल लेते हैं. ठीक है, सो P डैश के लिए क्या करेंगे, तीनों चीज़ों को डबल कर देंगे. सो 2m हो जाएगा × 2L² हो जाएगा अपॉन 2T³ हो जाएगा, समझ लो. सो P डैश इज इक्वल टू 2^4 × 8 हो जाएगा, समझ रहे हो, ML² × T^-3 हो जाएगा. ठीक है, सो फाइनली योर आंसर विल बी P'=P. यानी कि देखो इस क्वेश्चन में तो ठीक है, मैंने करा तो ये सेम है, है ना. हो सकता है आपके क्वेश्चन में कुछ और पूछ ले, बोल दे लेंथ आधी हो जाए, हाफ हो जाए, मास डबल हो जाए, और ये भी आधी हो जाए. ठीक है, सो कहने का मतलब ये कि कॉन्सेप्ट आप ऐसा सीखो कि यार किसी भी क्वेश्चन के लिए आप टैकल कर ले जाओ, समझ रहे हो. सो यार आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी. ठीक है, अब हम देखते हैं अलग सा कुछ नया कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, ताकि यार आपके एग्ज़ाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो, है ना. तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी. ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट एक्चुअली टॉपिक ही एक तरीके से समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट है कि यार अगर आपको कहीं दिख जाए कि L क्या है, इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, R रेजिस्टेंस है, तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे फॉर्म पूछ ले कि यार मुझे बता दो L/R का डायमेंशन क्या होगा, CR का डायमेंशन क्या होगा, √LC का डायमेंशन क्या होगा, है ना. तो गाइज इनका एक्चुअली देखो, मैं आपको इसलिए ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक का फॉर्म है. ठीक है यार, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में क्या करोगे, आपको L/R का तो फॉर्म करने जाओगे नहीं. अब L इंडिविजुअली आपको L का निकालना पड़ेगा, R का निकालना पड़ेगा, C का निकालना पड़ेगा, R का निकालना पड़ेगा, फिर L का निकालना पड़ेगा, C का निकालना पड़ेगा, है ना. तो आपको क्या होना चाहिए कि कुछ ऐसे आपके पास कैप्सूल्स होने चाहिए, कुछ ऐसे ट्रिक होने चाहिए जिससे कि यार आप चीज़ों को आसानी से टैकल कर सको. ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं ऐसा फॉर्म दिखे L/R CR √LC, तो इनका भाई डायमेंशन होता है टाइम. ठीक है, इनका डायमेंशन क्या हो जाता है, टाइम. बोले तो L/R का T हो जाता है. ठीक है, CR का क्या हो जाता है, T हो जाता है, समझ रहे हो. √LC का क्या हो जाता है भाई लोग, तो T हो जाता है. ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है यार. ठीक है, अच्छा अगर आपको कहीं ऐसा भी दे सकता है कि R/L बता दो, 1/CR बता दो, 1/√LC बता दो, तो इनके डायमेंशन क्या हो जाएंगे. तो भाई साहब अभी तो जस्ट पढ़ के आया कि L/R CR √LC का डायमेंशन T है, तो यार R/L, 1/CR और 1/√LC का डायमेंशन क्या हो सकता है, 1/T, है ना, 1/time, यानी कि T का इन्वर्स हो सकता है. अच्छा T का इन्वर्स को क्या कहते हैं भाई साहब, फ्रिक्वेंसी कहते हैं, समझ लो, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी. अरे फ्रीक्वेंसी का अपोजिट ही तो होता है टाइम पीरियड, है ना, याद रखना ये बात कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी. ठीक है भाई, क्या होती है, 1/फ्रीक्वेंसी होती है, समझ रहे हो. सो R/L, 1/CR, 1/√LC कहीं दिखे तो आप फ्रीक्वेंसी लगा देना. ठीक है ना, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी. अब कुछ नया देख लेते हैं. नए में क्या है कि लाइक अगर आपको कहीं ऐसा दिखे Q²/C, ठीक है, या फिर LI², या फिर QV, या फिर V²C, है ना. सो यार ये जो फॉर्म होता है, ऑल हैव द सेम डायमेंशन इज इक्वल टू इनर्जी का फॉर्म. ठीक है, किसका फॉर्म, इनर्जी का फॉर्म.
ठीक है गाइज। सो कहीं भी आपको दिखे क्यू स्क्वायर बाई सी, है ना, क्यू स्क्वायर बाई सी दिखे, एल आई स्क्वायर दिखे, क्यू भी दिखे या फिर सी भी स्क्वायर दिख जाए, सो यार उसका जो डायमेंशन होता है भाई साहब एनर्जी का फॉर्म होता है, लाइक इसका जो डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर इंटू टी के पावर माइनस टू। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, ठीक है गाइज। तो यार बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं भाई साहब, ठीक है। सो यार क्यू स्क्वायर बाई सी दिख जाए, एल आई स्क्वायर दिख जाए, क्यू भी दिख जाए, सी भी स्क्वायर दिख जाए, सो यार इनके डायमेंशंस क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, और वो किसके इक्वल होते हैं, एनर्जी के फॉर्म के इक्वल होते हैं, लाइक एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, ठीक है। एंड एल बाई आर सी आर रूट एल सी मिले, सो ऐसा फॉर्म होता है ना गाइज। और आर बाई एल वन बाई आर सी वन बाई रूट एल सी मिले, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्म होता है, टाइम इनवर्स का फॉर्म होता है ना। एंड यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई सी एल आई स्क्वायर क्यू बी सी बी स्क्वायर मिले, तो एनर्जी का फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, ओके। सो यार नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको कहीं ऐसे टर्म दिखे कि वी वोल्टेज है, आई करंट है, टी टाइम है एंड आर रेजिस्टेंस है, तो अगर आपको ऐसे फॉर्म दिखे वी इंटू आई इंटू टी, वी स्क्वायर टी अपॉन आर या फिर आई स्क्वायर आर टी, है ना। सो यार ऐसे कहीं टर्म दिखे तो यार इनके डायमेंशन एक्चुअली इक्वल होते हैं और वो एनर्जी के फॉर्म के इक्वल होते हैं, बात समझ आ रही है। सो यार अगर कहीं भी आपको वी आई टी दिखे, है ना, या फिर आई स्क्वायर आर टी दिखे या फिर वी स्क्वायर टी अपॉन आर दिखे, सो आँख मुँह दिखे सीधा आप टिक कर देना एनर्जी पे, है ना, लाइक एम एल स्क्वायर इंटू टी के पावर माइनस टू पे, है ना, एनर्जी का तो पता ही है, ओके गाइज। एंड इसका क्या हो जाता है, इसका तो चलो इसका लिख लेते हैं यार कि एनर्जी का क्या हो जाता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, यानी कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो एम एल स्क्वायर इंटू टी के पावर माइनस टू हो गया। अच्छा इसका क्या हो गया भैया, तो यार इसका देखने पे लग रहा है कि ये वी आई है, वी स्क्वायर बाई आर है, वी स्क्वायर बाई आर है इंटू आई स्क्वायर आर है, ये है ना, हैव द सेम डायमेंशन एज अ पावर। तो यार एक बात बताओ मुझे, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि इसमें टी से डिवाइड कर दिया तो ये आया, ऐसा दिख रहा है क्या कि इसमें टी से डिवाइड कर दिया तो ये आया, ऐसा दिख रहा है क्या कि इसमें टी से डिवाइड कर दिया तो ये आया, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं भी आई दिखे, वी स्क्वायर बाई आर दिखे या फिर आई स्क्वायर आर दिखे, तो यार इसका डायमेंशन क्या हो जाता है, इसका डायमेंशन होता है आपका पावर का, ठीक है, पावर का हो जाता है। पावर का क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। सो एम एल स्क्वायर इंटू टी के पावर माइनस टू एनर्जी का हो जाता है और टी का टाइम हो जाता है, सो एम एल स्क्वायर इंटू टी के पावर माइनस थ्री हो जाता है, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी एंड समझ में आई होंगी, है ना। अच्छा अब कुछ नए टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपको कहीं ऐसा दे, है ना, ऐसा दे वन बाई अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऐसा दे दे, या फिर अंडर रूट के अंदर जी आर दे दे, ठीक है, या फिर अंडर रूट के अंदर जी एम बाई आर दे दे, ठीक है, या फिर अंडर रूट के अंदर एफ बाई एम दे दे, ठीक है, या फिर भी लैम्डा दे दे, ठीक है, या फिर ओमेगा बाई के दे दे, समझ लो, या फिर दे दे अंडर रूट पी बाई रो, ठीक है गाइस। कहने का मतलब अगर वन बाई अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट दे दे, ठीक है ना, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी है, समझ लो, और क्या है आपका म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी है, मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट क्या है भाई, म्यू नॉट जो है हमारा परमिएबिलिटी है, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई साहब, परमिटिविटी है, ठीक है गाइस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, बात समझ आई कि नहीं यार, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी कि नहीं लगी, ठीक है ना, तभी मुझे मोटिवेशन मिल पाएगा, समझ लो। सो यार वन बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट दे, या फिर अंडर रूट जी आर दे दे, जी बोले तो क्या वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना, गुरुत्वीय त्वरण जिसको हिंदी में कहते हैं, आर आपका रेडियस है ना, और यहाँ पर कैपिटल जी क्या है, आपका कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और एम मास है, आर रेडियस है, यहाँ पे एफ फोर्स है, यहाँ पे भी क्या है कि वेलोसिटी है, लैम्डा वेवलेंथ है, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, के क्या है प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, पी क्या है प्रेशर है, रो क्या है डेंसिटी है, समझ लो। सो यार कहने का मतलब ये, अगर आपको ऐसे टर्मिनोलॉजी कहीं भी मिले, सो यार इनका डायमेंशन एक ही होता है और वो क्या होता है, वेलोसिटी का, या फिर बोले तो स्पीड का, ठीक है, एल टी के पावर माइनस वन, ठीक है गाइस, क्या होता है ये, स्पीड होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों, बात समझ आई, क्या होता है, स्पीड होता है। अगर वन बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दिखे, रूट जी आर दिखे, रूट जी एम बाई आर दिखे, रूट एफ बाई एम दिखे, वी लैम्डा ओमेगा बाई के, रूट पी बाई रो कहीं भी दिखे यार, तो आपको करना क्या है, सिर्फ सी पे टिक कर देना है, आई मीन एल टी के पावर माइनस वन पे टिक कर देना है, स्पीड पे टिक कर देना है, समझ लो, बात समझ आई कि नहीं।
है ना। सो कहने का मतलब ये है भाई लोग कि अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअली वन बाई रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का, सो ये क्या होता है लाइट की स्पीड की इक्वल होता है, ठीक है। सी इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। सी इक्वल्स टू आपने पढ़ा भी होगा शायद, है ना, सी इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्म होता है किसके, लाइट की स्पीड का। तो बेसिकली लाइट की स्पीड है तो स्पीड है, तो क्या हो जाएगा एल टी के पावर माइनस वन, रूट जी आर है, रूट जी एम बाई आर है, रूट एफ बाई एम है। अगर ऐसा टर्म कहीं भी दिखे सर इसका एल टी के पावर माइनस वन लिख देना, आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, है ना। अब एक लास्ट टर्म और बचा है ना, लास्ट दो स्टेप और बचे हैं वो बताते हैं, फिर उसके बाद ये सेशन एंड करेंगे। ओके सो यार अगर कहीं आपको ऐसे टर्म दिख जाए कि अंडर रूट एम बाई के हो, रूट एल बाई जी हो, या फिर रूट आर बाई जी हो, ठीक है गाइस, तो इनके भी डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं और टाइम के इक्वल होते हैं, ठीक है यार। एम बोले तो मास है, के बोले तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, एल बोले तो लेंथ है, समझ लो, और जी क्या है एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है गाइस। तो इनके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाते हैं, है ना। तो यार कहीं भी आपको रूट एम बाई के, रूट एल बाई जी, रूट आर बाई जी है दिख जाए तो आप सीधा टिक करना टाइम को, ठीक है। सो यार आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अब एक नया स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं आपको ये दिख जाए, डी पी अपॉन डी टी दिख जाए, ठीक है, या फिर आई बाई डी टी दिख जाए, ठीक है, या फिर आपको एम वी स्क्वायर बाई आर दिख जाए, ठीक है, या फिर आपको क्यू बी भी दिख जाए, ठीक है, या फिर अगर आपको क्यू ई दिख जाए, ठीक है, अगर आपको ऐसा दिख जाए जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दिख जाए, ठीक है, या फिर आपको के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दिख जाए, ठीक है गाइस। तो इनका जो मतलब होता है हमारा, ठीक है, तो इनके भी डायमेंशन सेम होते हैं और वो किसके इक्वल होते हैं, तो भाई साहब वो फोर्स के बराबर होते हैं, ठीक है, एम एल टी के पावर माइनस टू। अब देखो, अब आप निकालते इंडिविजुअली निकालते कि पी क्या है, पी भाई मोमेंटम है ना, यहाँ पे पी क्या है, इसके केस में पी जो है मोमेंटम है, ठीक है गाइस, और टी टाइम है, आई क्या है करंट है, ठीक है। सो आई बाई डी टी का भी क्या होता है, फोर्स हो जाता है, एम वी स्क्वायर बाई आर है, जहाँ पे एम मास है, वी वेलोसिटी है, आर रेडियस है, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स है बेसिकली, समझ लो, क्यू भी वी क्या है लॉरेंज फोर्स है, क्यू क्या है चार्ज है, वी मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी है, ठीक है, क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इसका भी फोर्स हो जाता है एम एल टी के पावर माइनस टू, जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है, के क्या है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है वन बाई फोर एप्सिलॉन नॉट, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के की वैल्यू जो होती है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी कॉन्स्टेंट है। सो कहने का मतलब इससे मतलब है क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से, तो ये भी क्या इसका डायमेंशन सेम है, किसके फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है, जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, तो ये भी इसका डायमेंशन क्या हो जाता है, फोर्स के इक्वल हो जाता है ना गाइस। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यार आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और ये सेशन भी काफ़ी मज़ेदार आया लगा होगा, पसंद आया होगा, है ना गाइस। तो यार एक्चुअली मैंने अभी बहुत सारे लेक्चर्स बना रखे हैं यूनिट एंड डायमेंशन पे। अगर कोई बंदा, कोई लड़का, कोई लड़की, आई मीन कोई भी स्टूडेंट अगर सीरियस होकर अगर उस लेक्चर्स को देखे, अटेंड करे, तो यार मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जेई के क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम नहीं होंगे, है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अभी तक मैंने जितने लेक्चर्स बना रखे हैं, अगर कोई बच्चा सीरियस होकर पढ़े सो डेफिनेटली वो अच्छा करेगा इन केस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन, डेफिनेटली, है ना, उससे जेई के क्वेश्चन नहीं बच सकते। सो मेरे आपको आपसे मैं यही काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अगर आपने लेक्चर्स अगर पिछला नहीं देखा है सो जाइए, जस्ट गो एंड चेक इट आउट, है ना, आप उसको सॉल्व करिए, है ना, उसको सीखिए, उसको समझिए, उसको पढ़िए, तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, उसको आपको चीज़ें समझ आएंगी, समझ रहो। तो थैंक यू सो मच सेशन को अटेंड करने के लिए, एंड आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, है ना, आप अपने एग्जाम्स में डेफिनेटली अच्छा करेंगे, है ना, मेरी विशेष आप लोग के साथ हैं, एंड मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ पूरे दो साल। इवन मैं जितने नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे यही कह रहा हूँ कि यार आप चैनल को पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर करो यार, क्योंकि देखो जब तक शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं ठोकोगे यार, तब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा, समझ रहो, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा, मैं आप लोगों के लिए नई चीज़ें नहीं लेकर आ पाऊँगा, ठीक है। सो यार प्लीज़ आप उसे शेयर करिए, सबसे ज़्यादा करिए तो आप शेयर करिए, आप एटलीस्ट अब अपने 5 to 10 फ्रेंड्स में शेयर करिए, और अब उनसे बोलिए कि यार 5 to 10 फ्रेंड में शेयर करो यार, सोचो कि एक चैन बनेगा एंड काफ़ी ज़्यादा मैं भी ग्रो कर पाऊँगा, और अगर मैंने ग्रो करा सो यार डेफिनेटली आप लोग भी अच्छा करोगे, है ना, ये मेरी गारंटी है। एंड डेफिनेटली यार मैं मेरा चैनल भी है ना, मैं एक्चुअली अपने इस
वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, सो आप उसे ज्वाइन करिए, है ना। वहाँ पे मैं डाउट सेशन लेता हूँ, ठीक है, और डेफिनेटली मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगा और आपको पर्सनली मेंटरशिप भी दूंगा, है ना। क्योंकि मैंने एक्चुअली मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और मैं उनको अच्छे से ट्रेन करता हूँ, है ना। वो उनके जो भी डाउट्स होते हैं मैं उनको क्लियर करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ और उनके उसके एग्ज़ाम के लिए, और वो अच्छा ही करेंगे डेफिनेटली। सो यार प्लीज़ आप भी करिए, है ना। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए, है ना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।